आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। क्यों रहते हैं भाजपा अनुसूचित मोर्चे के पदाधिकारी कार्यक्रम में अनुपस्थित, जानिए अनुसूचित मोर्चा के महामंत्री संजीव चौधरी की जवानी। देख रहे, देखिए भाजपा नहीं रुक रही, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो दलित विरोधी हैं, दलित उनको पसंद नहीं है, इसलिए दलित लोगों की अनदेखी की जा रही है, दलित नेताओं की अनदेखी की जा रही है, और ये आने वाले 2019 के लिए बहुत बुरे संकेत हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी से दलित रूट जाता है तो 2019 में बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए कि भाजपा के जो कार्यकर्ता, मतलब जो बड़े नेता हैं, वो दलितों से टूट रहे हैं, तो उसमें आपको प्रदेश स्तर पर शिकायत भी करनी चाहिए। नहीं, मैंने निवेदन करा है प्रदेश नेतृत्व से कि मैं चाहता हूँ प्रदेश नेतृत्व से अपने, खास करके अपने महेंद्रनाथ पांडे जी जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कि वो ऐसे जो नेता हैं, जो दलित विरोधी नेता हैं, उन पर निगाह रखें और उनको बाहर का रास्ता निकालने का कष्ट करें। जब ही भारतीय जनता पार्टी 2019 में फूल भाव से आएगी, और हम चाहते हैं हिंदुत्व के नाते, हम हिंदू हैं, कि भारतीय जनता पार्टी 2019 में भी एक बार पुनः अपनी सरकार बनाए और पूरे देश पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराए। कहीं ना कहीं आपने इसकी सूची भी प्रदेश स्तर पर पहुंचाई होगी, कौन दलितों के खिलाफ बोल रहा है या बात कर रहा है। हमारे यहाँ कुछ नेता हैं, महानगर के कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जो दलित विरोधी हैं, जो दलितों को चाहते नहीं हैं बिल्कुल, और हमने इतनी मेहनत करी है। मैं विगत 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी कुछ सूचनाएं ऐसी हैं जो मुझे नहीं, जानबूझ करके कुछ नेता चाहते हैं कि मैं पिछड़ूं और सक्रिय नहीं रहूं, ताकि उन लोगों को एक मौका मिल सके कि ये सक्रिय नहीं है और मेरे खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकें। अच्छा, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे दलित नेता अपना जुड़ाव पार्टी की तरफ दिखा रहे थे और वो टूटते जा रहे हैं। आपने बताया हमें कि कुछ महानगर पदाधिकारी, महानगर के दायित्वान कार्यकर्ता दलितों से दूर हट रहे हैं, क्या इसमें विशेष कारण कुछ? बहुत बड़ी विडम्बना की बात है कि दलित जो भारतीय जनता पार्टी का 100% वोटर है, उसके बावजूद भी दलितों को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। लेकिन प्रदेश नेतृत्व का कोई गलती नहीं है, ऊपर के नेतृत्व की कोई गलती नहीं है, लेकिन ये जो लोकल के जो बॉडी के लोग जो लोग हैं, यही भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा एक बात फैला रहे हैं जिसमें दलितों को सम्मान न मिल सके। धन्यवाद।